अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। सो मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ गो होती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज भी हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हिस्टोरिकल है थोड़ी सी, और लेडीज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैग्स पे है। अच्छा जी, तो मैं साथ साथ बताती चलूँ, ये एग्जीबिशन ही है क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस से ये एग्जीबिशन ही मैं शो कर रही हूँ। तो ये एग्जीबिशन है जो कि कतर नेशनल म्यूज़ियम में स्टार्ट हुई है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जून तक रहेगी, आई थिंक 15th of June तक, ठीक है, या 10। और ये इसमें सारे जो बैग्स आप देखेंगी इस वीडियो में, वो सारे ब्रांडेड, इम्पोर्टेड एंड हिस्टोरिकल बैग्स हैं, जो कि आई थिंक जो पुराने ज़माने की मलकाएँ, शहजादियाँ या फिर शहजादे थे, उन लोगों ने यूज़ किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैग है। तो मैं साथ साथ थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देती हूँ, देन आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो ये जो ब्रांड है वो द ई माइल हर्मेस कलेक्शन का है। ऑल बैग्स लाइक लेडीज़ बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, स्पोर्ट्स बैग एंड क्लचेस, जो भी जिस तरह के भी आप पसंद आएगी। और यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी भी बनाई गई है, वो उसमें पिक्चर्स और बैग्स के ही रिलेटेड सारा कुछ बताया गया है, और पिक्चर्स भी बैग्स के रिलेटेड ही लगाई गई हैं। उनका बनने का कुछ प्रोसीजर की पिक्चर्स हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सी हैं। तो होप सो कि आप वीडियो इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए कि आप लाइक करते हैं, और ये हमें एज ए रिवॉर्ड मिलता है कि हमारी वीडियो को लाइक किया जा रहा है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को बैग कैसे लगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बैग थे, और किस तरह इनको ग्लास में रखा गया है आप देख सकते हैं। इससे ही हम इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट बैग होंगे। बड़े छोटे एवरी टाइप्स ऑफ बैग्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बैग हैं। और ये सब ब्रांड जो कि है वो ईमाइल हर्मस कलेक्शन का है, और इसी की ये एग्जीबिशन लगाई गई है। और ये सब बैग डिफरेंट डिफरेंट जानवरों की जो खाल होती है उससे बनाए गए हैं, कुछ ऊँट की है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं ना उनकी खाल से बनाए गए हैं। और जो इनके ऊपर क्लच के ऊपर थोड़े छोटे छोटे से ब्रॉच नज़र आएंगे, वो गोल्ड के हैं। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ कि सब ही बैग की जो ब्रॉच हैं वो गोल्ड की नहीं है, सब बैग्स ही डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, जो कि आप बैग्स को देखने के बाद देख सकते हैं कि हर बैग अपने आप में ही कोई ना कोई एक अहमियत या खसूसियत का हामिल है। Thank you.
सर जी, तो आप होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे छोटे बच्चों को और बड़ों को दोनों को ही जूसेस और कुछ स्नैक्स दिए जा रहे थे, कुछ कुकीज़ वगैरह, तो बच्चे वो इन्जॉय कर रहे थे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।